एलियंस, क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? शायद हमारे पास इसका कोई प्रूफ है ही नहीं, या फिर शायद है। एलियंस बिल्ड द पिरामिड, ऑब्वियसली। अगस्त 2020 में जब एलन मस्क ने ये ट्वीट किया था तो पूरी दुनिया इसी रिसर्च में तो लग गई थी। लेकिन आखिर एलन मस्क को ऐसा क्यों लगा कि पिरामिड जो है वो एलियंस ने बनाए? क्या इनके पास कोई सॉलिड सबूत था भी? दरअसल इजिप्ट में कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शंस हैं तो जरूर, जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, पिरुविन एंद्रे का कैपिटल कॉस्को, वहाँ पर एक सेक्सिहमन नाम का छोटा सा फोर्ट है जहाँ पर 1000 साल पुरानी दीवारें जो कि बिल्कुल पजल्स की शेप में फिट की गई हैं। अब अजीब बात ये है कि इनकी कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग से लेजर टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। इन दीवारों को बनाने के लिए जिन पत्थरों का यूज किया गया है, उस एक एक पत्थर का वेट भी 360,000 केजीज है। और इनको बनाने के लिए उन पत्थरों को 32 किलोमीटर तक लेकर आना, तो जस्ट इमेजिन कि इतने भारी पत्थरों को उठाकर इतनी दूर तक कैसे लाया गया होगा। क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं 1000 साल पुरानी, जब पत्थरों को या किसी दूसरे किस्म के सामान को कैरी करने के लिए एक ही तरीका होता था, ह्यूमन लेबर। क्योंकि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी जमीन पर तो उस वक्त थी ही नहीं, या फिर ये सारा का सारा काम किसी और मखलूक का है। और इसीलिए शायद बैठे बैठे एलन मस्क को ये ख्याल आया कि पिरामिड्स तो एलियंस ने बनाए। लेकिन इजिप्ट पिरामिड्स तो फिर भी बहुत पुरानी बात है। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी, नेपोलियन बोनापार्ट, एक ऐसा फ्रेंच लीडर जिसने फ्रांस और यूरोपियन एम्पायर को अपने कब्जे में कर लिया। अब उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इतने सारे कंट्रीज में अपना कब्जा जमाने के लिए भी एलियंस की मदद ही ली थी। अब ऐसे ही उठकर कोई भी रैंडमली ये बात नहीं कर सकता, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजंस तो हैं। तो ये बात है 2012, जब फ्रांस में साइंटिस्ट नेपोलियन के स्कल को एग्जामिन कर रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी। नेपोलियन के स्कल के बोन में एक माइक्रोचिप का 1/5 हिस्सा था। साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये चिप उनके स्कल में बचपन से ही इम्प्लांट किया हुआ था। तो हम क्या समझे, 250 साल पहले क्या तब भी माइक्रोचिप का एग्जिस्ट करना पॉसिबल था? क्योंकि माइक्रोचिप तो इन्वेंट ही 1958 में हुई है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, यहाँ पर भी एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब नेपोलियन 25 इयर्स के थे तब अचानक गायब हो गए। जब वो वापस आए तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई वो कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ अजीब से लोगों ने अजीब सी जगह पर किडनैप करके रख लिया था। अब ना नेपोलियन को ये पता था कि वो लोग थे कौन, ना उनको ये पता था कि उनको किडनैप करके कहाँ रखा गया था। तो हम क्या समझे, क्या वो एलियंस थे? नेपोलियन खुद इस चीज का पार्ट थे? शायद उन्हें ये पता था, शायद उन्हें ये नहीं पता था। मसला वहीं पर ही आके टिक जाता है कि आखिर वो माइक्रोचिप आई कहाँ से। वेल, अब तक हम बात कर रहे थे जमीन के इर्द गिर्द हो रहे इंसिडेंट्स की, लेकिन क्या अर्थ से बाहर भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जो ये प्रूफ कर दे कि वाकई में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? और इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मीथेन का मार्स के सरफेस पर मिलना। अब साइंटिस्ट के ग्रुप को बहुत सारा मीथेन मार्स के सरफेस पर मिला है। मीथेन गैस की अगर हम बात करें तो वो अर्थ में भी बहुत ज्यादा अमाउंट पर होता तो है, लेकिन यहाँ पर दो तरीके से बनता है। जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोज करके मीथेन को रिलीज कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी प्रेजेंस में रहते हैं। वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके मीथेन को रिलीज करते हैं। तो साइंटिस्ट ने मार्स के सरफेस पर मीथेन को बहुत ज्यादा अमाउंट में डिटेक्ट तो कर लिया, लेकिन वो अभी भी ये नहीं जानते कि वो वहाँ पर आखिर आया कैसे। अगर इसका प्रूफ मिल जाए कि मीथेन वहाँ पर किसी माइक्रोब की वजह से आया, तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर हम जमीन की बात करें तो यहाँ पर भी हमारी जिंदगी किसी साइनोवेक्ट्रम की वजह से ही तो हुई थी, और वहीं से इवॉल्व करके हम आज इंसान बने। तो बेसिकली शायद मार्स पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एनीथिंग इज पॉसिबल। अपोलो 11 नाम का स्पेस क्राफ्ट नासा ने मून पर भेजा, मून के सरफेस को स्टडी करने के लिए। ये 3 लोगों का क्रू था। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ बहुत ही अजीब सा ऐसा हुआ जो कि हैरान करके रख देता है। एस्ट्रोनॉट्स ने ये ऑब्जर्व किया कि उनके स्पेस क्राफ्ट के पास कुछ अजीब सा ऑब्जेक्ट बहुत ही अजीब तरीके से घूम रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके रॉकेट का डिटैच पार्ट होगा और वही आपस में मूव कर रहा होगा। अब बाद में ये पता चला कि एक्चुअली में वो कोई रॉकेट का ऑब्जेक्ट नहीं था, और ना ही वो रॉकेट के नजदीक था, बल्कि वो उससे 10,000 किलोमीटर दूर था। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं था कि आखिर वो हो क्या सकता है। नासा के पास भी आज तक इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब रियलिटी में वो क्या था ये हम नहीं जानते, लेकिन बज़ एल्ड्रिन जरूर ये मानते हैं कि स्पेस में लाइफ एग्जिस्ट करती है।
और वो शायद जो उन्होंने देखा वो और कुछ नहीं बल्कि शायद एलियन ही था। तो ये थे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारे अलावा भी कोई लाइफ पॉसिबल है। अब आप बताइए, क्या कभी आप लोगों को कोई ऐसा इंसिडेंट सुनने को मिला जिससे आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में कोई है।